Hi guys, अगर मैं बात करूं कि 25,000 रुपीस से नीचे जितने भी फोन आते हैं उनमें से कौन सा जो है ऑलराउंडर फोन है, तो जब मैंने टेस्टिंग करी ना तो मैं पहले वेट कर रहा था iQOO Z7 Pro का, फिर मेरे पास ये आ ही चुका है। ये 24,000 रुपीस का फोन है, आई थिंक ये ऑफर लगाने के बाद कुछ 22,000 रुपीस का मिलता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली में ये iQOO Z7 Pro है कैसा, तो इसको समझने के लिए ना मैंने इसके कंपटीशन से इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया, इसलिए मैं इतना लेट वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी भाई लेट वीडियो के लिए, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। iQOO को मैंने Realme 11 Pro से भी कंपेयर किया है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत फैंटास्टिक है और ये भी कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। मेरे हिसाब से मोस्ट गुड लुकिंग फोन में से एक है। इनफैक्ट इन दिनों में जो है ना इन्फिनिक्स ने भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। आपने इन्फिनिक्स 035G फोन देखा है भाई, वो क्रेजी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो अब वही क्वेश्चन है कि इन सब चीजों के बीच में ये iQOO Z7 Pro कहाँ स्टैंड करता है, अच्छा फोन है कि नहीं, खरीदना चाहिए कि नहीं। आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो ये iQOO Z7 Pro का डिजाइन है, एक्चुअली में iQOO ने बहुत सही बनाया यार। मतलब ये जो टेक्सचर इसमें आता है, जैसे ही लाइट इस पे हिट करती है एक टेक्सचर दिखता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत कूल लग रहा है। ऊपर से जो ग्रेडियंट फिनिश है कि नीचे की साइड जो है लाइट ब्लू है, ऊपर की तरफ व्हाइट है, ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट फील होते हैं एक्चुअली में। बाकी हाँ, ये जो फ्रेम है ना ये पूरा पॉलीकार्बोनेट का है, लेकिन बैक पैनल हमें ग्लास फिनिश के साथ ही मिल रहा है, तो ये एडिड बोनस है इनका। बट अगर स्पीकर्स की बात करूं ना तो iQOO Z7 Pro के अंदर हमें सिंगल स्पीकर मिलता है, मतलब कि मोनो स्पीकर है। आउटपुट लाइक ओके है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि डुअल स्पीकर्स हो जैसे कि Realme 11 Pro में है। बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों फोन के हैप्टिक्स जो है लाइक ओके है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब प्राइस सेगमेंट की बात मैंने छेड़ ही दी है ना, तो पता है आपको ये चीज मैं बता देता हूँ जो मैंने खुद नोटिस करी है कंपटीशन से कंपेयर करने के बाद। जैसे कि ये Realme 11 Pro है ना, ये सिर्फ डिजाइन में टॉप नॉच है। अगर इसका कैमरा देखा जाए वहां पर इसके इतने पॉइंट्स कट हो जाते हैं कि ये iQOO जो है वहां पर बेटर पैकेज लगता है। धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि iQOO Z7 Pro इस प्राइस सेगमेंट में दी बेस्ट फीचर्स लेकर आता है या फिर बेस्ट फोन है। जैसे कि मैंने इन्फिनिक्स का नाम बताया था आपको स्टार्टिंग में, इन्फिनिक्स 035G, वो फोन जो है IP53 रेटिंग भी लेकर आता है और उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 भी है, जबकि iQOO Z7 Pro में कोई IP रेटिंग नहीं है, जबकि iQOO में SI ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है जितनी गोरिल्ला ग्लास की है। खैर iQOO Z7 Pro में एक बहुत अच्छी चीज है कि एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। बाकी इस iQOO Z7 Pro की डिस्प्ले के बारे में बात करूं ना, ये काफी बढ़िया है, 6.7 इंचेस की है और कर्व डिस्प्ले होने की वजह से नो डाउट मॉडर्न लुक तो आता ही है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, इस वजह से स्मूथ स्क्रॉलिंग हो जाती है। और क्योंकि इसके अंदर एमोलेड पैनल है तो यहां पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है जो कि अच्छा वर्क कर रहा है। बट पर्सनली एक बात बताता हूं, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है एक फोन की। जैसे कि इस iQOO में 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो कि एक अच्छा नंबर है और आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी सही है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं डिस्प्ले के अंदर जो iQOO ने बहुत अच्छा काम किया है, देखो OTT पे अगर आप मूवीज देखने जाओगे ना इस फोन में तो HD में भी चलेगी, ऊपर से HDR का सपोर्ट भी है इस फोन के अंदर। जैसे कि ये Realme मेरे पास रखा हुआ है, ये Netflix पे HDR नहीं चला सकता। और देखो ये सारी इस iQOO की तारीफें थी, लेकिन अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट में बात करूं और कंपटीशन से कंपेयर करूं iQOO को, iQOO में प्रॉब्लम क्या है ना कि ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं लगी हुई, 4600 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर और ये 66W की चार्जिंग सपोर्ट करता है। और जो कंपटीशन है ना जैसे कि Realme और Infinix दोनों में 5000 mAh की बैटरी है, तो यहाँ पर iQOO बेटर कर सकता था। अब बैटरी की सिचुएशन तो मैंने समझा दी, लेकिन सॉफ्टवेयर की सिचुएशन आपको समझाने के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा Realme का। देखो Realme के साथ पता है क्या हुआ है, जब से इन्होंने अपने फोन में बहुत सारे ब्लोटवेयर डालना शुरू किया, मतलब इतनी सारी प्री इंस्टॉल एप्स आती है, लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, इनफैक्ट एड्स भी है इनकी UI के अंदर जो कि अच्छी चीज नहीं है। iQOO ने अगर मैं बात करूं इसमें जो है इतनी सारी प्री इंस्टॉल एप्स नहीं आती, मतलब आती है कुछ 12 के करीब है बट सारी इंस्टॉल हो सकती है। बस iQOO को एक ऐप से बड़ा प्यार है जिसका नाम है वी एप स्टोर, वो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और वो परेशान करते कभी कभी। और हाँ iQOO का जो ब्राउजर है ना उससे भी एड्स आते हैं, मतलब नोटिफिकेशन आती रहती है पूरे दिन। इनफैक्ट मैं पिछले 1.5 साल से भी नोटिस कर रहा हूँ कि भाई इनकी हिस्ट्री ठीक रही है सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिक्योरिटी पैच अपडेट को लेकर। बट एक चीज जो मैं बहुत स्पेशल हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर इस फोन को खरीदने का प्लान करो ना, पता
प्रॉब्लम क्या है, जब इस फोन की कुछ कुछ एप्स यूज करना, जैसे कि गूगल की कुछ एप्स होती है, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, वो सब 60 Hz के रिफ्रेश रेट पे चलता है और बाकी पूरी UI 120 Hz पे है। तो जैसे ही आप किसी एक ऐसी ऐप पे शिफ्ट करते हो जो कि 60 Hz पे चलती है, आपका ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। फिर इसको फिक्स किया जा सकता है। सेटिंग में जाके आप हर एक ऐप सेलेक्ट कर सकते हो कि किसके ऊपर 120 Hz चलना चाहिए, मतलब फोर्स किया जा सकता है। बट मेरे हिसाब से यार आईकू को जो है ना इजी सेटिंग दे देनी चाहिए, जिसको 120 Hz पे वर्क करवाना है सारी एप्स को, तो एक इजी सा टॉगल दे दो ना यार। खैर, हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आईकू फीडबैक ले ले, बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस फोन के अंदर जो डायलर है वो वीवो डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप करने गए तो अनाउंसमेंट नहीं आएगी। खैर, कॉल रिकॉर्डिंग करनी तो नहीं चाहिए, किसी रीजन से अनएथिकल बोला जाता है इसको। बट स्टिल अगर बिगर पिक्चर देखी जाए ना इस प्राइस सेगमेंट में, तो आईकू का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सच में टॉप पे आ रहा है। क्योंकि अपडेट पॉलिसी की बात कर लेते हैं, जैसे कि इन्फिनिक्स अच्छा फोन तो निकाल के बैठे है ये, बट वो 1 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करते हैं और 2 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट, जबकि आईकू और रियलमी जो है 2 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करते हैं और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो इन्फिनिक्स को अभी है भाई थोड़ा सा टाइम इन चीजों पे कॉप अप करने में, अभी फिलहाल आईकू अच्छा वर्क कर रहा है। खैर, आईकू Z7 Pro की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस फोन में ना नया प्रोसेसर यूज किया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200, अच्छा प्रोसेसर है, कैसे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले रैम की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 8GB रैम मिलती है जो कि LPDDR4X है, ओके चीज है। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 128GB वाला है और इसके अंदर UFS 3.1 स्टोरेज है, ये भी चीज ठीक है। और अगर मैं आईकू Z7 Pro के बेंचमार्क स्कोर्स दिखाऊं, तो देखो स्कोर्स अच्छे हैं, बट एक्सप्लेन मैं आपको ऐसे कर सकता हूं कि इसके जो स्कोर्स आईकू के वो रियलमी से अच्छे आते हैं लेकिन इन्फिनिक्स से थोड़े कम। तो फिर से वो बात रिपीट करूं कि आईकू बैलेंस चीजें करता है ज्यादातर। और अच्छी बात पता क्या है, आईकू की स्टेबिलिटी बहुत फैंटास्टिक है यार, 99.1% आई है। और इनफैक्ट CPU थ्रॉटलिंग में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर मैंने अलग अलग गेम्स भी टेस्ट करे हैं, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इस आईकू Z7 Pro के अंदर COD खेला 90 FPS पे, 3 सेशन खेले यार, बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। और इन 3 सेशन के बाद मैंने ये नोटिस किया कि कोई हीटिंग भी नहीं थी। फिर इसके बाद मैंने BGMI टेस्ट करा है HDR प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे। देखो, जो गेम है ना वो कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स तो दिखा रहा था, लेकिन जब गेम एंड हुआ 1 सेशन के बाद मुझे फोन हीट होते हुए तो दिखा। अच्छा, ये सारी बात अगर टेक्निकल लग रही है तो इजी वर्ड्स में बता देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप हैवी गेमिंग भी करना चाहते हो, कैजुअल गेमिंग भी करना चाहते हो, दोनों हैंडल कर लेगा ये, और नॉर्मल डे के टास्क तो ऑब्वियसली सही से परफॉर्म कर ही लेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, वो है कैमरा। और पता है मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? अगर आप आज के टाइम पे 22 या 24 हज़ार रुपए के आसपास का फोन खरीदने जाओगे ना, ये जितनी भी चीजें हैं, परफॉर्मेंस, हो सकता है कि डिजाइन, डिस्प्ले, सब जो है बाकी फोन्स में मिल जाता है। मैंने अभी तक ये नोटिस किया है कि यार इस प्राइस सेगमेंट में ढंग का कैमरा फोन कोई अवेलेबल ही नहीं था। और गुड न्यूज ये है, जब मैंने इस आईकू Z7 Pro को कंपटीशन से कंपेयर किया है, देखो ये बेटर दिख रहा है। समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली में। देखो, ये आईकू का जो कैमरा है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और ये कैमरा OIS के साथ आता है और इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। ये जो आप दूसरा कैमरा देख रहे हो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो कि समझ जाओ। बट इस फोन के कैमरा सेटअप में एक चीज यूनिक है कि यहाँ पर ये जो सर्कुलर लाइट आप देख रहे हो ना, इसको ऑरा लाइट बोलते हैं, ये कभी कभी हेल्प कर जाता है। अब आईकू की फोटोज दिखाने से पहले ना, इस कैमरा ऐप में ना एक ऑप्शन होता है नेचुरल कलर प्रोफाइल का, जिससे ना नेचुरल कलर्स आते हैं, तो मैंने इसी में पूरी टेस्टिंग करी है। अब इस फोन की मैं इंडोर फोटोज आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर कोई ओवर शार्पनेस मुझे फील नहीं हुई, कलर्स एक्चुअली में नेचुरल लग रहे हैं। इनफैक्ट जो फोटोज के अंदर डिटेल है ना, वो भी बहुत रियलिस्टिक आ रही है। इंडोर में भाई स्किन टोन ये ठीक से प्रोसेस कर पा रहा है, काफी हद तक नेचुरल बोली जा सकती है। और अब मैं आपको आउटडोर फोटोज भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सॉलिड प्रोसेसिंग दिख रही है और बहुत सारी फोटोज मैंने देखी है, मैं आउटपुट से खुश तो था, बस नेटपिकिंग करके बता रहा हूँ, हल्का सा ब्लू टिंट रहता है फोटोज में। इनफैक्ट अगर आउटडोर ह्यूमन शॉट्स की बात करो तो ठीक रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही डिफिकल्ट लाइटिंग हो जाती है वहां पर नॉइज दिखती है स्किन वगैरह में भी, इन जनरल मतलब अच्छा आउटपुट नहीं आता। बट एक बहुत अच्छी बात है इस फोन की कि लो लाइट में ये बहुत सही परफॉर्म कर रहा है, 2 सेकंड लेता है फोटोज खींचने में, लेकिन अच्छा आउटपुट निकाल के देता है। वैसे एक जगह पे इस फोन की काफी तारीफ करूंगा, इसका जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, भाई क्या सेल्फी लेकर आता है, बहुत सही होती है। वैसे ये मत समझना कि मैं आईकू की ऐसे ही तारीफ करे जा रहा हूँ, मैंने एक्चुअली में कॉम्पिटिशन से कम्पेयर किया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको रियलमी से कंपेयर किया था ना आईकू को, हर जगह पे आईकू बेटर फील हो रहा है, चाहे फिर वो स्किन टोन हो या फिर ओवरऑल जो प्रोसेसिंग होती है फोटो की। देखो, आईकू ही विनर है इस चीज में। और वीडियो की भी बात करूं तो रियलमी और आईकू दोनों जो है 4K 30 FPS शूट कर सकते हैं, बट डिफरेंस ये है कि रियलमी में स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलती, आईकू में मिलती है, थोड़ा सा यूजेबल आउटपुट आईकू का है। बाकी इस आईकू Z7 Pro का जो फ्रंट कैमरा है वो 1080p ही शूट करता है, उसमें स्टेबिलाईजेशन नहीं है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस आईकू के ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट को कॉम्पिटिशन से कंपेयर जब हम करते हैं ना,
तब लगता है कि हाँ भाई अच्छा काम किया हुआ है आइकू ने, एक्चुअली में कैमरा इसका अच्छा है। तो इन सारी बातों को कॉन्टेक्स्ट रखते हुए कंक्लूजन की बात करते हैं कि मुझे क्या फील होता है इस आइकू Z7 Pro के बारे में। देखो एक चीज क्लियर है कि इस आइकू Z7 Pro में ना सॉलिड कैमरा मिलता है, इनफैक्ट अमेजिंग डिस्प्ले इस फोन की और परफॉर्मेंस भी ठीक है। और अगर इस पे ऑफर आप नहीं भी लगाते, मतलब 22,000 रुपए का नहीं लेते इस फोन को, 24,000 रुपए का अगर आप लेते हो, तब भी है ना ये कंपटीशन के मुकाबले सेंस बना जाएगा। क्योंकि पता है कंपटीशन में ना एक बहुत बड़ी कमी है, उन्होंने एक या दो डिपार्टमेंट को स्ट्रांग रखा, बाकी सारे डिपार्टमेंट को वीक रखा। बट इस आइकू ने ना सारा सब कुछ, मतलब सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं, उसने ठीक से बैलेंस आउट कर दिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको जाके 24,000 रुपए का आप खरीदो, कोशिश करो भाई कार्ड डिस्काउंट लगाओ यार, 22,000 में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी इस फोन को मैं फिर भी बोलूंगा। खैर ये थी मेरी टेस्टिंग और मेरा सारा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बहुत जल्दी under 25 or under 30,000 rupees जो भी बेस्ट फोन होंगे उसकी वीडियो आ रही है, और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खरीदना चाहिए। उसके लिए भी आप बेल आइकन प्रेस करके रख लेना, और वीडियो अगर ये वाली हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।